चलिए हम लोग इसका इलास्टिक कैसे जो मैंने थ्योरी को आपको समझाया था, अब उसकी मैं लैब आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं इलास्टिक कैसे के बारे में। तो देखिए, अभी मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर गया हूँ, इस समय मैं मुंबई रीजन में हूँ। तो इलास्टिक कैसे जो ऑप्शन है, ये भी आपके रीजन स्पेसिफिक आपकी सर्विस है, मतलब जिस रीजन में आप डिप्लॉय करेंगे उस रीजन में ही आपको यूज कर पाएंगे। या यस, क्योंकि आप डेटाबेस भी रीजन स्पेसिफिक होता है, तो जिस रीजन में आप डेटाबेस बनाएंगे उस रीजन में आपको इलास्टिक कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलास्टिक कैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक कैसे का ऑप्शन आपने सर्च किया, ठीक है। अभी देखिए, मेरे पास कोई भी इलास्टिक ऐसे ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि इट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, रिसाइजेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन मेमोरी कैसे। ठीक है, जो डेटा होता है वो मेमोरी में होता है, जो डेटा मेमोरी से एक्सेस करते हैं वो बहुत ही फास्ट एक्सेस होता है, इन मेमोरी एक्सेस वाइल रिमूविंग कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएट विद इफ डिप्लॉइंग द मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूट कैसे इन्वायरमेंट। ठीक है, इलास्टिक कैसे वर्क विद बोथ रेडिस एंड द मेमकैचे इंजन। तो बेसिकली दोनों में ये वर्क करता है, मेमकैचे एंड रेडिस क्लस्टर में। चलिए, तो अभी मैं जैसे मान ली रेडिस क्लस्टर में जाता हूँ, रिसोर्सेज में यहाँ पे रेडिस क्लस्टर ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी रेडिस क्लस्टर नहीं बना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेडिस क्लस्टर, और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे अगर मेमकैच क्लस्टर बनाना है तो मेमकैच क्लस्टर के लिए यहाँ जा सकते हैं। तो मेरे पास कोई भी मेमकैच क्लस्टर नहीं है। बैकअप में आप देखना है तो बैकअप में देख सकते हैं, कोई भी बैकअप नहीं है। तो मान लीजिए आपने रेडिस क्लस्टर बनाया, उसका बैकअप लेना है, तो आप यहाँ पे बैकअप में जा सकते हैं। ठीक है, सबनेट ग्रुप हम लोग आगे बनाएंगे। ग्रुप सबनेट ग्रुप में क्या होगा कि मल्टीपल हम लोग सबनेट को एक साथ मर्ज कर देंगे, और उसी सबनेट ग्रुप के अंदर हम जब नोड बनाएंगे तो सबनेट ग्रुप हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग जब बनाते हैं तब भी सबनेट ग्रुप बना सकते हैं, या पहले भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबनेट ग्रुप पहले बना लेते हैं। तो देखिए, सबनेट ग्रुप में जाते हैं और क्रिएट सबनेट ग्रुप में यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। सबनेट ग्रुप का नाम मैंने दे दिया माई टेस्टिंग सबनेट ग्रुप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो दे दीजिए। अब सबनेट ग्रुप वीपीसी के अंदर ही बनेगा, अगर आपके पास कोई कस्टम वीपीसी है आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट वीपीसी है, मैंने उसको ले लिया। और यहाँ पे देखो, तीन उस वीपीसी के अंदर तीन सबनेट है, तीनों सबनेट यहाँ पे दिखा रहे हैं मुझे। तो आपको यहाँ पे मैनेज में क्लिक करना पड़ेगा, और जिस जिस सबनेट को लेना है उस सबनेट को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एक ही सबनेट लेना है तो आप एक में टिक कर दीजिए, अगर आपको जितने भी आपको लेने हैं सबनेट उसमें मैनेज कर लीजिए। तो बेसिकली आप सबनेट ग्रुप में कौन सबनेट लोगे, जिसमें आपके डेटाबेस होंगे, मीन्स आपके प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट वीपीसी है, इसमें प्राइवेट सबनेट बने नहीं है, इसलिए मैं तीनों सबनेट को ले लेता हूँ। आपको बात समझ में आ रही, सबनेट ग्रुप में आप कौन सा सबनेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके इसको चूज करने के बाद आपको टैग देना है, तो आप टैग दे सकते हैं, और उसके बाद क्रिएट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने सबनेट बना लिया। ठीक है, अब वापस इलास्टिक कैसे हम जाते हैं। तो देखिए, सबनेट ग्रुप में आते हैं हम लोग, तो मेरा सबनेट बन गया, इसके अंदर वीपीसी और तीनों सबनेट मैंने दे दिए सबनेट ग्रुप का, एक ये आलन हो गया। ठीक है, अब मैं रेडिस क्लस्टर बना के दिखाता हूँ आपको। तो क्रिएट रेडिस क्लस्टर में मैंने क्लिक किया। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है इजी क्रिएट। इजी क्रिएट में आपको जो मेन मेन पॉइंट है वो पूछेगा आपसे, और आपका क्रिएट हो जाएगा। कॉन्फिगर ए न्यू विथ क्लस्टर, ठीक है, कॉन्फिगर एंड क्रिएट ए न्यू विथ क्लस्टर मीन्स इसमें आपसे हर एक पॉइंट पूछेगा कि आपको शेड्यूल टाइम क्या रखना, मतलब हर एक इंडिविजुअल पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, अगर आपने रेडिस का बैकअप ले रखा है उसको ही आपको रिस्टोर करके दोबारा बनाना है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजी क्रिएट में जाऊँगा। अब इजी क्रिएट में देखिए, प्रोडक्शन में आप जा रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्शन में आपको इस टाइप का स्टोरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। उसके बाद आप डेमो में जा सकते हैं, तो ये आपका स्टोरेज आएगा, या तो आप डेमो में ले सकते हैं। ठीक है, तो डेमो में आपका कॉस्टिंग के हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आपको लैब करनी है, परफॉर्म करनी है, तो आप डेमो ही लेके चलिए, क्योंकि इससे आपका बिलिंग जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं डेमो लेके चल रहा हूँ। हाँ, आपकी इच्छा है तो आप प्रोडक्शन ले जा सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, या डेव एनवायरनमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन डेमो वो फीचर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेमो लिया है क्योंकि प्राइसिंग का कंसर्न आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं आप क्लस्टर का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, क्लस्टर का नाम दे दिया मैंने टेस्टिंग क्लस्टर। ठीक है, टेस्टिंग क्लस्टर मैंने दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ, दिस इज माई डेमो रेडिस क्लस्टर। ठीक है,
आप जो कनेक्टिविटी टाइप होगी, आईपी विजन 4 लेना है या आपको आईपी विजन 6 लेना है या दोनों आईपी लेना, वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैंने कहा आईपी विजन 4 मुझे लेना, अगर आपका एप्लीकेशन में आईपी विजन 6 भी यूज़ कर रहे हैं, वीपीसी बनाते समय आपने ये ऑप्शन भी ले रखा है, तो आप आईपी विजन 6 या डुअल स्टैक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आईपी विजन 4 ले रहा हूँ। आप देखो सबनेट ग्रुप ये पूछा, या तो आप नया बनाइए तो यहाँ पर नया ऑप्शन आ रहा है, या तो आप चूज एग्जिस्टिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मेरा वाला दिखा रहा है, या तो आप नया भी बना सकते हो, क्रिएट न्यू सबनेट ग्रुप में आप यहाँ पे नाम दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, वीपीसी सेलेक्ट करिए, सेम वही चीज़ आ रही है। तो जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम लोग अपना जो बना हुआ है वो सेलेक्ट कर लेते हैं चूज एग्जिस्टिंग क्लस्टर में। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने बनाया था माई टेस्टिंग सबनेट ग्रुप, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसमें तीनों सबनेट अपने एसोसिएट किए थे, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद आपको क्रिएट करना होगा, आपको टैग देना है तो टैग दे दीजिए, पर्पस जैसे भी है। और अगर आपको डिफॉल्ट सेटिंग देखिए, इसका जो पोर्ट नंबर होता है याद रखिएगा 36379 होता है, ठीक है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ये सब बता रहा है। एडिटेबल आफ्टर क्रिएट, क्रिएट करने के बाद एडिट कर सकते हैं या नहीं, जिसमें नो लिखा है उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, और जिसमें यस लिखा उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर मोड इनेबल है, ऑटो फेल्योर इनेबल है, ठीक है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इनक्रिप्शन है, रेस्ट इनेबल है, देखिए इसमें ऑटो अपग्रेड माइनर वर्जन ये भी इनेबल है, तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। इसका वर्जन 7 है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें सिंगल शार्ड लेके चलना है, शार्ड में आपका मल्टीपल नोड होगा, ठीक है, ये सारी चीज़। मल्टीपल अपलिविजन मोड डिसेबल है आपका, इनक्रिप्शन ट्रांजिट डिसेबल है, ऑटोमेटिक बैकअप डिसेबल है, ये सारी चीज़ आपकी डिसेबल है, ठीक है। अगर आपको इनको यूज करना है तो प्रोडक्शन में जाइए, और यहाँ पे आएंगे यहाँ ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, कॉन्फिगर एंड क्रिएट वाला में, ठीक है। क्लस्टर मोड आपको इनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप फिर अपने इसके हिसाब से अब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन लेनी है, ऑटो फेलोवर लेना है, वर्जन आपका कौन सा लेना है, पोर्ट नंबर चेंज करना है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको उसके अगर आपको खुद से मैनुअली डिफाइन करना हर एक, तो आपको कॉन्फिगर एंड क्रिएट एंड न्यू क्लस्टर में जाना पड़ेगा, और मल्टी क्लस्टर मोड इनेबल करके आपको यहाँ पर क्लस्टर का मोड दीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दीजिए, लोकेशन AWS क्लाउड होगा या ऑन प्रीमाइसेस से भी आप अटैच कर सकते हैं, तो मुझे ऑन AWS क्लाउड लेना होगा। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन आपको यूज करना है, और उसके जो भी वर्जन चेंज करना है, पोर्ट नंबर चेंज करना है, उसका नोड टाइप सेलेक्ट करना है, तो देखिए नोड टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ शार्ट कितने लेने हैं, तीन लेने हैं, क्योंकि तीन अवेलेबिलिटी जोन लिए हैं इसलिए तीन अब शार्ट लिए हैं, या आप यहाँ पे कर सकते हैं दो, और हर एक शार्ट में कितने आपको नोड लेने हैं वो सब डिफाइन कर सकते हैं आईपी विजन 4। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इजी क्रिएट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डेमो लिया था, और यहाँ पे मैंने टेस्टिंग क्लस्टर और सब चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी थी, और यहाँ पे मैं सीधे सीधे टैग देके क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरा जो क्लस्टर है वो मेरा क्रिएट होने लगा, रेडिस क्लस्टर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम मतलब अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तब ये आपका क्रिएटिंग से यहाँ एक्टिव मोड आएगा, तो 10 से 15 मिनट ये टाइम लेगा, ठीक है। अब मैं इसका एक डीप डाइव लैब दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ डेटा S3 में स्टोर करूँगा, ठीक है, कुछ डेटा मैं किस में स्टोर करूँगा, S3 में स्टोर करूँगा। उन डेटा को मैं पहले डायरेक्टली एक्सेस करूँगा, जो डेटाबेस उसमें S3 में होगा, कुछ फाइलें उसमें बनाऊंगा, उन फाइलों को मैं जब क्वेरी करूंगा S3 से डायरेक्टली, तो देखना टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। फिर मैं उन्हीं फाइलों को इलास्टिक कैसे के थ्रू जब एक्सेस करूंगा, तो टाइम बहुत कम लेगा, डिफरेंस आएगा टाइम में। तो ये इससे हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक कैसे जो डेटा का रिट्रीवल है वो कितनी मिली सेकेंड में वो करता है, ठीक है। इस लैब को हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसका, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, मैं एक डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और सेम रीजन में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में नहीं है, मैं क्रिएट करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए 0 है, कोई भी इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो लॉन्च इंस्टेंस मैंने क्लिक किया, नेम मैंने इसका दे दिया रेडिस, तक मैं लैब कर रहा हूँ उसके लिए आसानी हो जाए, रेडिस। यहाँ पे मैंने अमेजॉन लिनक्स जो इसकी MI है वो ले ली है, 23.23 AMI, एंड T2 माइक्रो ही मैंने यहाँ पे लिया, की पेयर मैंने यहाँ पे कोई ले लेता हूँ,
सपोज मैंने फर्स्ट डेमो ले लिया, वीपीसी यहाँ पे यही रहेगा मेरे पास, ठीक है, डिफॉल्ट वीपीसी है इसलिए डिफॉल्ट वीपीसी रहेगा। एक सिक्योरिटी ग्रुप में जो मेरे पास डिफॉल्ट है मैं वो ले लेता हूँ, डिफॉल्ट ये वाला डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। और सेम मैं 8 GB जो डिफॉल्ट में स्टोरेज होता है उस सेम कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसको लेके मैं इस इंस्टेंस को क्रिएट करता हूँ। तो लॉन्च इंस्टेंस, तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो इंस्टेंस की बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो आप इसकी डिटेल सेक्शन में जा सकते हैं कि इसका पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, प्राइवेट डीएनएस नेम क्या है, ऑल दिस चीज़, वीपीसी सबनेट क्या है, ठीक है। सिक्योरिटी सेक्शन में आपने कोई आईएम रोल लगाया होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है, और कौन कौन से पोर्ट नंबर इनेबल हैं वो सब यहाँ पे दिखाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑल पोर्ट इनेबल कर देता हूँ अभी डिफ़ॉल्ट के लिए। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ मैं और इसको मॉडिफाई करता हूँ और ऑल पोर्ट में इनेबल कर देता हूँ। तो एडिट इनबाउंड रूल में जाता हूँ मैं, एंड एड रूल ऑल ट्रैफिक एंड ऑल पब्लिक आईपी, ओके, ठीक है। तो मीनवाइल मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए मैं S3 बकेट भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, डुप्लीकेट में जाता हूँ, एक S3 बकेट भी दिखा देता हूँ जिसमें मैं डेटा स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा रेडिस क्लस्टर रनिंग स्टेट में आ गया है। तो मेरा रेडिस क्लस्टर अप्रॉक्स अप एंड रनिंग हो गया है, ठीक है, सॉरी ये तो मेरा इंस्टेंस है जहाँ पे मैं अपना रेडिस ले लेता हूँ इलास्टिक से। हाँ ये इलास्टिक कैसे मेरा केटिंग पे दिखा रहा है, अभी केट नहीं हुआ है, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी केटिंग दिखा रहा है, अभी केट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ S3 बकेट के लिए ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास 3 बकेट हैं, माई सैम्पल रेप्लीकेशन बकेट, SSD एंड डेमो बकेट, स्टोर SSD एंड S3 बकेट लॉक्स। तो मैं यहाँ पे एक नई बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट बकेट, बकेट का मैंने नाम दे दिया रेडिस, रेडिस सैंपल टेस्टिंग, ठीक है, रेडी सैंपल टेस्टिंग। और अपलेबिलिटी जो रीजन होगा मैंने मुंबई रीजन ले रखा क्योंकि मेरा इलास्टिक कैसे एंड मेरा S3 जो जो मैंने EC2 बनाया सेम मुंबई रीजन बनाया, इसलिए मैंने बकेट भी मैंने मुंबई रीजन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सिंपल सा क्रिएट कर लेता हूँ। तो बकेट मेरी क्रिएट हो गई है, तो ये मेरी बकेट रेडी सैंपल बकेट क्रिएट हो गई। अब मैं अपना EC2 को एक्सेस करता हूँ, एंड कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट। सबसे पहले मैं जो मेरी EC2 इंस्टेंस है इसमें मैं क्या करूँगा, एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है, एक्सेस की मेरे जो अकाउंट है रूट अकाउंट का एक्सेस की एंड सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको रूट यूएस लॉगिन कर लेता हूँ, sudo su, तो मैं रूट यूएस लॉगिन कर लिया। अब मैं इसमें एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करूँगा, तो सबसे पहले मैं एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, और यहाँ पे एक्सेस की मेरी एक जनरेट है, मैं दूसरी भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट एक्सेस की। आई अंडरस्टैंड बिकॉज रूट यूजर के लिए मैं कर रहा हूँ तो वो एक वार्निंग टाइप का दे रहा है कि रूट यूजर के लिए आप मत करिए, स्टैंडर्ड AWS का, ठीक है, तो
तो मैंने कहा क्रिएट करो और यहाँ शो कर दो। तो ये मेरी एक्सेस की हो गई, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो EC2 में जाता हूँ, यहाँ पे मैं AWS कॉन्फ़िगर टाइप करता हूँ, कॉन्फ़िगर। तो ये सबसे पहले पूछेगा मेरे एक्सेस की, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये मेरी एक्सेस की हो गई। एंड देन आफ्टर ये पूछेगा मेरी सिक्योरिटी की, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी की को यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद ये पूछेगा मेरा रीजन, तो रीजन मेरा कौन सा होगा, मुंबई रीजन। मुंबई रीजन में मुझे यहाँ कॉन्फिगर करने का, इसका कोड होता है AP South 1, तो उसको मैंने यहाँ पे AP South 1 यहाँ पे लिखा और इसके बाद एंटर मार दिया। ठीक है, तो मैंने अपनी जो एक्सेस की सिक्योरिटी की थी वो इंस्टॉल कर ली। उसके बाद मुझे मैं इसमें गिट इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो उसकी कमांड होगी यम अपडेट हाइपन वाई, तो कुछ नहीं था, उसके बाद यम इंस्टॉल गिट और वाई फॉर कंफर्मेशन, गिट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह मैंने सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंस में मैंने अपनी एक्सेस की सिक्योरिटी कॉन्फ़िग की, उसके बाद मैंने गिट इंस्टॉल किया। गिट क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि मुझे सोर्स कोड क्लोन करना है। मेरे पास मेरी गिट में मेरे पास सोर्स कोड पड़ा है इस लैब के लिए। ठीक है, इसके अंदर मेरी स्क्रिप्टिंग पड़ी है, उस स्क्रिप्टिंग के यूज करके मैं दिखाऊंगा। तो ये जो मेरी बकेट है, ठीक है, उस बकेट के अंदर मेरे पास ये एक रेपो बना है, अमेजोन एस थी कैसे विथ अमेजोन इलास्टिक कैसे रेडिस। इसको मैंने क्लोन कर लिया, कर रहा हूँ। क्लोन करने के लिए कहाँ जाना है, इसमें जाना है और को ये जो है इस यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पे अपने EC2 में आना है। सबसे पहले अपने गिट इंस्टॉल के लिए उसके बाद लिखना है गिट क्लोन और जो यूआरएल था उसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए गिट क्लोन हो गया। आप कैसे पता चलेगा, आप ls -l करेंगे तो देखिए ये फोल्डर आ गया, सेम फोल्डर आएगा जिस नाम से आपके यहाँ पे होगा। तो अमेजोन एस टी कैसे विथ अमेजोन एस टी कैसे विथ अमेजोन इलास्टिक कैसे रेडिस। तो देखिए सेम नाम का फोल्डर आ गया और इस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, ls करते हैं, तो ये सारे सारे फोल्डर मुझे दिखने लगे। ठीक है, सेटअप रिसोर्स इमेज एग्जाम्पल CNF, देखिए, ठीक है, सेटअप रिसोर्स इमेज, सारे सारा डेटा मेरे पास क्लोन हो गया। ठीक है, तो आपको ये लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, चैट में, आप इस लिंक के थ्रू यूज करके आप मेरा जो ये कोड है इसको क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं देख रहे तो मेरे इलास्टिक कैसे क्रिएट हो गया या नहीं हुआ। तो यस, मेरा क्लस्टर जो क्लस्टर था वो रेडी हो गया, यहाँ पे अवेलेबल मोड आ गया। तो देखिए मैंने क्लस्टर का नेम दिया था टेस्टिंग क्लस्टर, स्टेटस अवेलेबल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन था। क्लस्टर मोड इनेबल किया था मैंने, इंजन 7.0.7 है, इसमें नोड टाइप T4.micro है, ठीक है, SARD 1 है, इसमें SARD में नंबर ऑफ नोड 1 है और ग्लोबल डेटाबेस नहीं है, और क्रिएट कब मैंने क्रिएट किया था ये है। ठीक है, अब इसका इसमें क्लिक करते हैं, तो इसको मैं वापस जाता हूँ इसमें, ठीक है, अभी इसकी डिटेल यहाँ पे दिख नहीं रही है, इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए डिटेल इसकी दिखने लगी। अगर ये देखिए एंड पॉइंट अगर आपको चाहिए तो ये एंड पॉइंट आप डालना पड़ेगा, डायरेक्टली आप डेटाबेस से एक्सेस नहीं करना है, आपको इलास्टिक कैसे से एक्सेस करना है, तो इसका एंड पॉइंट ये आ गया, इसका ये 6379 इसका पोर्ट नंबर है, तो ये इसका एंड पॉइंट आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, नोड टाइप T4.large है, ग्लोबल डेटाबेस है, ने इंजन 7.7 है, रेडिस है, ये सारी चीज़ मल्टीपलेबिलिटी डिसेबल थी। ठीक है, इसका ARN ये है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे नोड में, देखिए एक ही सार्ड है उस नोड में, ये इसका नोड है टेस्टिंग क्लस्टर EC2 1, ये इसका नोड है, नोड टाइप 1 है। ठीक है, और इसमें कितने स्पेस स्टोर कर सकते हैं अवेलेबल है, ये सब दिखाएगा। इसके लॉक्स आपके कुछ समय बाद इसके लॉक्स दिखा देंगे। ठीक है, अब इसकी मैट्रिक्स में जाना है तो मैट्रिक दिखेगी यहाँ पे, और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जाना है तो आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी दिखेगी इसकी। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप नेम जो आपने लगाया था वो ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप था, इसमें आपको देखना है तो जो वही मैंने लगाया, जो मैंने VPC बनाया था वही सिक्योरिटी ग्रुप मैंने इसमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये देखिए वही सिक्योरिटी ग्रुप इसमें इम्प्लीमेंट किया, यहाँ से आप ट्रैफिक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस बैकअप में आप यहाँ पे जाएंगे और मेंटेनेंस बैकअप में आपने बैकअप डिसेबल कर रखा है, आप चाहें तो इसको यहाँ से मॉडिफाई करके इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई यहाँ पे जाके मॉडिफाई करके उसका
इनेबल कर सकते हैं बैकअप में यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप। ठीक है, तो सारी ऑप्शन आपने देखा। चलिए हम वापस अपने आते हैं S3 बकेट में। ठीक है, तो ये मेरा S2 इंस्टेंस है। अब इसमें मुझे क्या करना है, सेटअप फोल्डर के अंदर जाना है, तो CD करके सेटअप फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं, और LSSpace-L करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे S3 रेडी प्रोजेक्ट सेटअप डॉट SS फाइल लिखी है, इस फाइल को मैं रीड करता हूँ। तो कैट करके मैंने S3 रीड किया, तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये एक बैश शेल स्क्रिप्ट है। इसमें मैंने sudo yum अपडेट किया है, पहले मैंने yum को अपडेट किया, फिर मैंने pip install AWS CLI यूजर किया, फिर pip install redis, मैंने ये दो चीज़ इंस्टॉल की हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये दो चीज़ मैंने इंस्टॉल की हैं। तो इस स्क्रिप्ट को मुझे रन कराना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ, yum install pip, और क्योंकि पाइथन स्क्रिप्ट है, पाइथन स्क्रिप्ट के लिए आपको पिप को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपने रन, पहले मैंने रन इंस्टॉल पिप कर लिया, क्योंकि पाइथन के लिए मुझे पिप इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सेटअप फोल्डर के अंदर बैठा हूँ, और उसके बाद मुझे कैट करके वो फाइल को देख रीड करता हूँ। तो ये एक स्क्रिप्टिंग फाइल है, इसको मुझे रन करानी होगी। तो रन कराने कैसे कराएंगे, SS और फाइल का नेम S3 सेटअप। तो देखिए, सैम्पल ऐप सेटअप इंस्टॉल कम्प्लीटली, तो ये कम्प्लीट हो गया मेरा, वो स्क्रिप्ट मेरी रन कर गई। स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं था, सबसे पहले मैंने यम को अपडेट किया है, फिर पिप AWS CLI ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर AWS रेडिस उसको इंस्टॉल कर दिया, रेडिस कनेक्टर को, क्योंकि मुझे रेडिस को कनेक्ट करना है इसलिए रेडिस को इंस्टॉल किया। तो ये दो स्क्रिप्ट था वो मैंने रन कर लिए। सो मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, CD डॉट डॉट ये अब मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे LSSpace-L फिर से टाइप करता हूँ। तो मेरे पास इतने फोल्डर हैं। ठीक है, अब मैं यम इंस्टॉल पाइथन करता हूँ, और मैंने पाइथन को भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो मैंने पिप भी इंस्टॉल कर लिया, पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया। अब मैं LSSpace-L पर फिर से करता हूँ, और यहाँ पे मैं रिसोर्स फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा मैं CD करके रिसोर्सेस। तो LSSpace-L किया मैंने, तो रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर इतनी सारी मेरी पाइथन की स्क्रिप्ट हैं। तो सबसे पहले इस फाइल को मैं पढ़ता हूँ, constant.py। तो कैट कंस्टेंट डॉट पी वाई फाइल को मैंने रीड किया। तो यहाँ पे आपको अपने रेडिस का एंड पॉइंट देना, और यहाँ पे अपने S3 बकेट का जो नेम हो देना है, क्योंकि जो डेटा आप डालोगे S3 बकेट में, उस बकेट जो मैंने अभी बनाई है रेडिस, इसमें भी कोई डेटा नहीं है। तो मैं इसमें भी डेटा क्रिएट करूँगा, फिर उससे क्वेरी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे S3 बकेट का जो ये फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल, इसमें मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करूँगा, मैं नैनो कमांड यूज करता हूँ, नैनो, और जो फाइल का नेम constant.py, फाइल ओपन हो गई। रेडिस का यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, रेडिस होस्ट, वो आपको देना है। तो रेडिस के होस्ट के लिए आपको यहाँ पर जाना है, और ये उसका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर छोड़ देना है, और बाकी आपको इतना कॉपी कर लेना है। पोर्ट नंबर ऑलरेडी पता है कि 36 6379 होता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आए रेडिस होस्ट में, और यहाँ पे आपको उस चीज़ को पेस्ट करनी है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने किस चीज़ का, अपने रेडिस होस्ट का एंड पॉइंट पेस्ट कर दिया। आप S3 बकेट में आते हैं, तो ये S3 बकेट है मेरी, रेडिस सैंपल टेस्टिंग, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ, और नीचे वाली लाइन में मैं ये कर लेता पेस्ट कर देता हूँ। तो ये S3 बकेट का नाम, तो आपने रेडिस होस्ट जो आपका एंड पॉइंट है, पोर्ट नंबर हटा के उसको पेस्ट कर दिया, और S3 बकेट जहाँ पे आप डेटा बनाएंगे उसको आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स करके सेव कर दिया। उसके बाद इसकी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट फाइल में मैंने डेटा अपडेट कर दिया, मैं फिर से दिखाता हूँ। कैट कंस्टेंट, तो मैंने रेडिस होस्ट को पिंग कर दिया, और मैंने इसको भी S3 बकेट को पिंग कर दिया। अब इस फाइल को रन करते हैं, तो कमांड होगी python 3 और constant.py। ठीक है, तो ये मेरी python 3 constant.py फाइल फाइल रन हो गई। और इसी में मेरे पास LSSpace-L करते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल होगी load.loaddata.py। जब अब मैं इस फाइल को रन करूँगा, तो मेरी जो बकेट है, अब इस बकेट में कोई डेटा नहीं है, इसमें मेरी डेटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ, python 3.load data.py।
ठीक है, तो ये कह रहा है बोटो 3 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट बोटो 3। तो मैं यहाँ पे यम इंस्टॉल बोटो 3 इंस्टॉल कर लेता हूँ, या सॉरी पिप इंस्टॉल बोटो 3। तो पिप इंस्टॉल बोटो 3 से मैंने बोटो 3 पैक जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। बोटो 3 बेसिकली पाइथन के थ्रू अगर AWS में आपको कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने होते हैं, कुछ भी करना होता है, तो आपको बोटो 3 लाइब्रेरी चाहिए होती है, ठीक है। पाइथन के केस में अगर AWS क्लाउड में अभी कुछ भी आपको क्रिएट करना होता है तो बोटो 3 चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने बोटो 3 इंस्टॉल कर लिया। अब मैं फिर से वही कमांड टाइप करता हूँ, कौन सी कमांड, पाइथन 3 लोड डेटा डॉट पी वाई। देखिए तो डेटा लोड सक्सेसफुली, आपको दिखा दिया डेटा लोड सक्सेसफुली। तो जैसे ही डेटा लोड सक्सेसफुली हुआ, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इस जो बकेट में थी मेरे पास फाइलें बन गई, 100 फाइलें बन गई हैं, ठीक है। फाइल नेम 99, मतलब फाइल 0 से चालू हुई है और 100 तक, तो फाइल 100 फाइल बन गई। अब मैं इस फाइलों से क्वेरी करूँगा, ठीक है, इस फाइलों से क्या करूँगा मैं, तो देखिए मेरी फाइल बन गई। अब फाइलों से मैं क्वेरी करूँगा, तो ls space hyphen करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए क्वेरी S3। ये अगर मैं फाइल, ये मैं स्क्रिप्ट रन कराऊंगा, तो इस स्क्रिप्ट में क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेरी किससे होगी, मेरी S3 बकेट से होगी। तो पहले मैं S3 बकेट से डायरेक्ट क्वेरी करके दिखाऊंगा, उस क्वेरी में क्या होगा, जो टाइम आएगा उसको आप मैं नोट डाउन कर लूंगा, और फिर मैं वही सेम क्वेरी मैं रेडिस से करूंगा, ये फाइल रन कराऊंगा क्वेरी रेडिस डॉट पी वाई। तो जो टाइम डिफरेंस आएगा वो मैं दिखाऊंगा। तो देखिए जब मैं डायरेक्टली S3 से क्वेरी करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब मैं क्वेरी रेडिस से करूंगा तो टाइम कम लगेगा। तो यही मुझे एग्जांपल देखना है कि रेडिस क्या करता है, इन मेमोरी आपको डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे आपका लो लेटेंसी में मिली सेकेंड में आपको डेटा आपको मिलता है। तो इससे आपका जो डेटा लेटेंसी मिल रही है, आप डेटाबेस से आप क्वेरी करते हैं, वो रिजॉल्व हो जाता है। तो वही लैब हम लोग को परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले रेडिस डेटा साइज दिखा देता हूँ, रेडिस डीबी साइज की, रेडिस का डीबी साइज क्या है। तो मैं कमांड टाइप करता हूँ पाइथन 3 रेडिस डीबी साइज, ठीक है। तो कमांड नॉट फाउंड, पाइथन की स्पेलिंग गलत है, यस PYTHON 3 रेडिस। तो रेडिस का साइज डीबी साइज 100 फुट है, कंप्लीट सक्सेसफुली है, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूँ, अब मैं क्वेरी करता हूँ S3 बकेट से, डायरेक्टली क्वेरी S3 बकेट से करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा पाइथन 3 क्वेरी S3, क्वेरी S3। तो मैं अभी डायरेक्टली क्वेरी कर रहा हूँ S3 से, क्वेरी S3 डॉट पी वाई। तो क्वेरी जब मैंने की तो देखिए टाइम कितना आ रहा, एवरेज जो टाइम आ रहा ये मिली सेकेंड में टाइम आ रहा, ठीक है। तो ये टाइम लिखा हुआ है। अब मैं सेम क्वेरी में कैसे कर रहा हूँ, रेडिस से कर रहा हूँ, क्वेरी रेडिस वाली। तो पाइथन 3 और क्वेरी रेडिस डॉट पी वाई। अब मैं पहले मैंने S3 से क्वेरी की थी, यहाँ पे फाइल देखिए S3 से क्वेरी की थी, तो जो टाइम आ रहा वो ये लिखा हुआ है। अब मैं सेम क्वेरी कर रहा हूँ किससे, रेडिस से कर रहा हूँ, रेडिस। अब डायरेक्टली मैं S3 से ना कर रहा हूँ, रेडिस से कर रहा हूँ, मतलब मेरे S3 से आगे मैं रेडिस लगा दिया, उससे मैं क्वेरी कर रहा हूँ। तो देखिए कितना डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो देखिए डिफरेंस, देखिए जो एवरेज टाइम था 14,836 मिली सेकेंड, वो एवरेज टाइम 600 मिली सेकेंड हो गया, मतलब आधे से भी कम हो गया। और जो मैक्सिमम लेटेंसी आ रही थी 58,000 समथिंग, वो मैक्सिमम लेटेंसी 1,000 आ गई, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आप देखिए मिनिमम लेटेंसी जो 1,000 समथिंग थी वो 500, ठीक है। तो मतलब इससे ये पता चला कि जो मेरी, अगर मैं जो डायरेक्टली क्वेरी जब S3 से कर रहा था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, लेकिन जब उसी क्वेरी को मैं रेडिस से करने लगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो यही मेन मुझे एग्जाम्पल दिखाना था आपको कि जब हम लोग रेडिस को यूज़ करते हैं या इलास्टिक एसेस को यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस के इन फ्रंट में लगा के, जो जो क्वेरी का टाइम होता था, जो रिस्पॉन्स हो जाता था, जो लेटेंसी होती थी बहुत कम हो जाती। जैसा आपने एग्जाम्पल देखा, जब मैंने डायरेक्टली क्वेरी की S3 से तो टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था, ये देखिए जो टाइम है एवरेज टाइम मिनी मैक्सिमम टाइम मिनी सेकेंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, जब मैंने वही सेम क्वेरी जो रेडिस से की तो टाइम बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस लैब में मैं क्या दिखाना चाहता था। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा।